सत श्री अकाल आदाब, नमस्कार। मैं हूं सिमरन हंसर, आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। तो हाजिर हूं एक बार फिर से आपके लिए बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट लेके। ये लेटेस्ट अपडेट जुड़ी है इंडियन फिल्म मेकर साजिद खान के साथ। साजिद खान की बात करें तो साजिद खान ने बहुत सारी फिल्में दी हैं अब तक बॉलीवुड को, जैसे कि हम स्ट्रगल्स की बात हो या फिर हाउसफुल की या हाउसफुल 2 की। वेल, हाउसफुल 4 भी डायरेक्ट करने वाले थे साजिद खान, लेकिन #MeToo कैंपेन के चलते उन पर सेक्सुअल हैरासमेंट के आरोप लगे, जिसके चलते साजिद खान को इस फिल्म से बाहर कर दिया गया और इस फिल्म की डायरेक्शन की कमांड दे दी गई फरहाद सामजी के हाथ में। और अगर हम बात करें हाउसफुल 4 की, तो हाउसफुल 4 का जो ट्रेलर है वो रिसेंटली हमने देखा है, जिसको ऑडियंस का रिस्पांस जो है काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है। वेल, रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के ट्रेलर का 60-80% जो काम है वो साजिद खान ने कंप्लीट कर लिया था। वहीं इस फिल्म के ट्रेलर को देखते हुए, शायद साजिद खान के वर्क को देखते हुए, एक और बड़ी फिल्म जो है साजिद खान के हाथ लग चुकी है, जॉन इब्राहिम की आने वाली फिल्म आवारा पागल दीवाना 2। वेल, आवारा पागल दीवाना फिल्म की बात करें तो 2002 में आई थी, जिसमें हमें खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय, परेश रावल और सुनील शेट्टी नजर आए थे। अब आवारा पागल दीवाना 2 आने वाली है, जिसमें जॉन इब्राहिम हमें नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात करें साजिद खान की, तो वो डायरेक्ट करने वाले हैं इस फिल्म को। अब देखना ये होगा कि इस फिल्म की बाकी कास्टिंग क्या रहती है और साजिद खान इस फिल्म पर काम कब शुरू करते हैं। वेल, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिएगा गूगल बॉलीवुड।